हाँ जी, तो अभी जैसे इन्होंने कहा असगर साहब ने कि सच्चाई की खोज, तो ये भगत सिंह के टाइम पे भी था। भगत सिंह भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल थे गांधी जी के कंपेरेटिवली, कि भाई गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया, उनको बचा सकते थे वगैरह वगैरह। तो भगत सिंह ऑल्सो वॉज ए वेरी वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। एंड ऐसे फिल्म बनाने में जो एक चैलेंज होते, जिसकी कहानी हम खुद लिख देते हैं, तो हमारी कहानी हम जैसे चाहे मोड़ दो, जैसे चाहे जहाँ घुमा दो। जब हिस्ट्री टच करते हैं, हिस्ट्री में कोट बना हुआ है, उसके बाहर नहीं जा सकते हम। उसके बाहर जाएंगे तो आउट है, उसके बाहर जाएंगे तो फाउल है। तो उसी दायरे में ही करना है, जो भी खोज करना है, आर्ग्यूमेंट लाना है, उसी के अंदर करना है। तो वो बड़ा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस है। गांधी गोडसे ऑल्सो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो जैसे सच्चाई, तो इसकी जो सबसे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो है सच्चाई। वी डिडंट हैव मनी, ऑनेस्टली आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, बिकॉज 9 साल के बाद आ रहा हूँ तो कोई फिल्म बनाई नहीं थी। प्रोड्यूस पहले किया था मैंने, 20 साल पहले फुल फिल्म प्रोड्यूस की थी, घातक, चाइना गेट, लज्जा, उसके बाद फिल्म बनाई नहीं, दूसरों के लिए डायरेक्ट करता रहा। 8 साल से कोई फिल्म बनाई नहीं है, और फिल्म शुरू की थी वो भी बंद हो गई थी। तो मनी वॉज नॉट देयर से इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या था? इन्वेस्टमेंट हमारे पास ट्रुथ, द कन्विक्शन दैट वी आर गोइंग टू मेक अ गुड फिल्म। एंड उसके साथ में ये भी मैंने तय कर लिया, इसमें कोई स्टार लूंगा नहीं। बीच में मैंने कहीं रूमर पढ़ा, कहीं आर्टिकल छपा था कि राजकुमार राव वॉज कंसिडर्ड फॉर गोडसे के रोल के लिए। इट इज़ नॉट राइट। पहले मैंने सोच लिया था, जब ईमानदारी से फिल्म करनी है तो वी डोंट नीड एनी स्टार्स टू टेक इट हेड, तो नए लोग लेंगे। और साथ में ये भी सोच लिया था मैंने कि गोडसे अ मराठी एक्टर शुड प्ले, ताकि उसके लहजे में, उसके बात में कहीं कहीं मराठी डायलॉग भी रखना हो तो कन्विंसिंगली बोल देगा। एंड गांधी गुजराती मस्ट प्ले, तो उसके साथ में उसकी कल्चर, उसकी बातचीत वो सब आएंगे। तो इट वॉज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये डिसाइड कर लिया था। और ये तय कर लिया मैंने, ऐसा डायरेक्टर बड़ा जिद्दी डायरेक्टर हूँ, मुश्किल था फिल्म बना रहे हैं। एंड हमेशा मैं बजट एक्सीड कर देता हूँ, क्योंकि जब फिल्म बनाने के टाइम पे मेरे अंदर का डायरेक्टर इतना मतलब एक्साइटेड हो जाता है, परफेक्शन के चक्कर में क्रॉस करता हूँ। बट आई हैड ए वेरी गुड प्रोड्यूसर विथ मी, मनीला संतोषी, जो बहुत ही कंसिडर किया, उसने बहुत हिम्मत दी और साथ दिया कि जैसे तुम चाहते हो वैसे तुम फिल्म बनाओ। एंड शी स्टूड बाई मी, आई मस्ट थैंक मनीला संतोषी, हु हैपन्स टू बी माई वाइफ ऑल्सो। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं वो अलग बात है, बट वो है, उन्होंने साथ दिया मुझे। सो देन द कास्टिंग प्रोसेस स्टार्टेड। तो हमारे साथ हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं कश्यप चंदोक करके हैं, तो यहीं पर होंगे। कश्यप चंदोक साहब हैं यहाँ पे, तो एक बार अपना आके सामने सर नमस्ते बोल के जाइए आप। तो यंग हैं काफ़ी, बट मेहनती हैं। तो ही वॉज देयर एंड ही हेल्प्ड मी इन डूइंग द कास्टिंग ऑफ दिस पिक्चर। तो उसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर, वो भी आप देखेंगे, जिसको भी काफ़ी पर्सनैलिटी मिलते हुए कास्टिंग किया हम लोगों ने, मराठी एक्टर हैं वो भी। तो देन सबसे पहले दीपक अंतानी साहब आए हमसे मिलने के लिए। सुन लिया था मैं फिल्म बना रहा हूँ, मैं अभी दीपक अंतानी जी को बुलाऊंगा स्टेज पर। प्लीज़ दीपक जी आइए, एंड आई विल कंटिन्यू। गांधी जी का रोल इन्होंने निभाया है, एंड मेरे हिसाब से थी डिड अ परफेक्ट जॉब, वेरी गुड जॉब। ऊपर आइए दीपक जी।